नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी हैंडीकैप कट ऑफ के बारे में। जितने भी लोग जो है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे, तो उसके बाद अब लगातार आप ग्रुप डी की तैयारी में जुट चुके होंगे। तो ग्रुप डी की तैयारी करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ग्रुप डी जो है आपके लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए और क्या मन में आपको सोच करके तैयारी को करना चाहिए। देखिए, दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं आपके, आप सभी ने नाम भी सुना होगा। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो इन दो तरह के आरक्षण में जो है आपकी कैटेगरी आती है, आपकी जो कैटेगरी आती है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है आप अपनी ही सीटों पर फाइट करेंगे, और वर्टिकल में जो है आप अपना कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के अंदर चले जाओगे। ग्रुप डी एग्ज़ाम में आप जो है सिर्फ अपनी ही कैटेगरी पर लड़ते हैं, इसी कारण आपकी जो कट ऑफ होती है वो इतनी हाई चली जाती है। पिछली बार देखिए, कुछ जोन ऐसे जोन थे जहाँ पर जो है आपकी जो कट ऑफ थी वो जनरल से थोड़ी बहुत ही, यानी कि जनरल के नज़दीकी थी। जैसे सिकंदराबाद जोन था, अहमदाबाद जोन था। तो इस तरीके के जोन अगर आप देखोगे 2018 में उठा करके कट ऑफ, तो वो कट ऑफ आपकी यूआर के आसपास ही थी। यूआर से वो तो आपका जो हैंडीकैप के स्टूडेंट की जो स्टडी होती है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं यूआर से कम रहती है। तो इस वजह से ही जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से स्टूडेंट की संख्या और वैकेंसीज़ पे डिपेंड कर रहा था, नहीं तो आपकी जो है यूआर को भी पार कर सकती थी कट ऑफ, जिस तरीके से हालात थे हैंडीकैप की कट ऑफ के बारे में। तो हैंडीकैप की कट ऑफ वहाँ पर आपकी जर्नल में काउंट नहीं होती, और एससी एसटी से आपकी ऊपर ही कट ऑफ आपकी चली जाती है ज़्यादातर जोन में। और बाकी जैसे एसएससी एग्ज़ाम है, या अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपका क्या होता है, आपका जो है रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर के वर्टिकल होता है। यानी कि जिसमें सीधे सीधे आप डायरेक्ट जर्नल में काउंट हो जाते हो। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें हैंडीकैप सीधा डायरेक्टली जर्नल में काउंट हो जाता है, और हैंडीकैप की कट ऑफ 20 नंबर से 15 से 20 नंबर डिक्रीज हो जाती है। लेकिन कुछ जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। यानी कि जर्नल की अगर 3 सीट है तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही पर्सन लगेंगे, चौथा पर्सन नहीं लगेगा, चौथा कैंडिडेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है और उस चौथे कैंडिडेट के नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर है, तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा और चारों के चारों हैंडीकैप कैंडिडेट उस जॉब के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रुप डी में जो है आप अपना तैयारी सोच करके चलिएगा कि हमें जनरल के बराबर नंबर लेकर के आने हैं। और ख़ास करके जैसे कोलकाता जोन है, दिल्ली जोन है, और बाकी जोन है वो अब इसमें मेंस एग्ज़ाम भी नहीं है कि आप जो है कम कट ऑफ होकर के मेंस में आपको मौका दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद शायद आपकी स्थिति सुधर जाए। लेकिन इसमें एक ही एग्ज़ाम है, और एक ही एग्ज़ाम में आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छी, और सभी स्टूडेंट का जो अब फोकस है, जितने भी लगभग स्टूडेंट हैं वो सब ग्रुप डी की तरफ ही हैं, क्योंकि अभी और कोई एग्ज़ाम नहीं है। और यूपी लेखपाल में भी असमंजस में फंसे हुए लोग हैं, तो वो भी ज़्यादातर ग्रुप डी की तरफ ही अपना रुख कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है 3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, और जिनका एनटीपीसी में नहीं हुआ था वो तो लगभग 6-7 महीने से ग्रुप डी पर भी अपना पूरा फोकस जमाए हुए हैं। तो साइंस उनकी तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जिसमें कि आपको 4 सब्जेक्ट पर इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके में भी आपको करंट अफेयर्स सिर्फ और साइंस, ठीक है। मैथ और रीजनिंग तो काफ़ी अच्छी इतने दिन से पढ़ते पढ़ते हो चुकी होगी, और साइंस भी लगातार लोग पढ़ ही रहे हैं जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं। अब करंट अफेयर उनका वो अभी अच्छा अपना कर ही लेंगे। तो जो लोग एनटीपीसी की तरफ थे, या फिर जो लोग लेखपाल की तरफ थे, तो वो ग्रुप डी में अब आकर के उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और ख़ास करके हैंडीकैप लोगों को जो है कट ऑफ में भी आपको ज़्यादा इसमें काफ़ी अच्छा लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिज़िकल नहीं होता इसमें, आपको फिज़िकल जो है आपको छूट मिल जाती है। तो इस वजह से जो है आपको वहाँ भी नहीं निकलेंगे बच्चे, जो एक बार एक पेपर देगा और उसकी कट ऑफ अच्छी आएगी तो वो डायरेक्टली सिलेक्टेड हो जाएगा। अब देखिए एनटीपीसी में क्या है, पहले आपने मेन एग्ज़ाम दिया, फिर उसने आप उसके बाद आपने सेकेंड मेन दिया, उसके बाद आप टाइपिंग देंगे, और उसके बाद भी आपका जो है डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा, और उसके बाद जा करके आपकी जो है फाइनल कट ऑफ आएगी। तो इस तरीके से इसमें इतना सारा प्रोसेस होने के बाद, और ग्रुप डी में सिर्फ एक ही कट ऑफ और सीधा डायरेक्टली आपको अंदर ले लिया जाएगा, उसके बाद ना आपका फिजिकल होगा ना कुछ और होगा, तो फिर आप जो है अपना लेवल आपका ठीक ठाक रहेगा। जो लोग लगातार बोलते हैं कि रेलवे ऐसे नहीं करता, हमारे साथ धोखा होता है, वो धोखाधड़ी इस ग्रुप डी ने ही, ऐसी थिंकिंग बनाई हुई थी इस ग्रुप डी ने ही, पिछले 2018 ने इतना बर्बाद
किया था हैंडीकैप स्टूडेंट को, शायद अब की बार ऐसा ना हो। पिछली बार रिजल्ट भी उन्होंने से साथ में नहीं दिखाया था और काफ़ी लोग जो हैं हताश थे, नाराज़ थे ग्रुप डी को लेकर के, और उनकी सोच इतनी, उनको इतना बड़ा झटका लगा था कि आज तक वो उभरे नहीं, और उस चीज़ को लेकर के बड़ा शोक हुआ था उस टाइम पर। जो लोग 60 नंबर थे नॉर्मलाइजेशन होकर के, उनके 5 नंबर बढ़े, 65 नंबर हुए, लेकिन 67 पे कट ऑफ थी, 70 पे कट ऑफ थी, तो वो लोग जो है काफ़ी दुखी थे जिनके नंबर 50 से 55 थे। पहले वो खुश थे कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और हम बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतने में SC OBC इस तरीके की कैटेगरी उस टाइम पर चली गई थी। हैंडीकैप होकर के लोग भी वहाँ रह चुके थे और उनके साथ में रहने वाले OBC कैंडिडेट, SC कैंडिडेट चले गए थे, तो वो एक बड़ा नुकसान था और बड़ा झटका था हैंडीकैप के लिए। तो इस तरीके की जो है अब दोबारा से गलती रेलवे ना करें, शायद अब की बार देखिए क्या होता है। लेकिन फिर भी जो है मुझे लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ही आपको इसमें लिया जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकली वर्क जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और फिजिकली वर्क होने के कारण इसमें जो है आप रेस नहीं कर सकते। तो फिर आपको जो है इसी तरीके से इसमें कुछ डिपार्टमेंट है जो हैंडीकैप के लिए हैं, और उन्हीं डिपार्टमेंट की सीटें इसमें आती हैं, ठीक है। तो सीटें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन फॉर्म की संख्या देखिए 1,26,00,000 इसमें फॉर्म जा चुके हैं, जबकि 1,15,00,000 में से भी लगभग लगभग 1,50,000 के आसपास हैंडीकैप थे। तो इसमें भी शायद इसमें और भी ज़्यादा आपके हैंडीकैप होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 10th बेस पर है और इसमें कोई लेवल का कोई फ़र्क नहीं, कोई परसेंटेज का फ़र्क नहीं, कोई ग्रेजुएशन का नहीं है। तो इस तरीके से इसमें और भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इतनी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी और इसी मेहनत के साथ आप जो है जॉब पाएंगे ग्रुप डी की, और उसके बाद आपको फिर दोबारा से UP SSC PAT आ चुका है, जो कि छोटी छोटी भर्तियाँ आती रहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो भर्ती है वो रेलवे सेक्टर है, और रेलवे सेक्टर के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है एक दिव्यांगजन साथी के लिए। दिव्यांग जनों को रेलवे ही जो है थोड़ा सा सपोर्टिव में रहता है, लेकिन ग्रुप डी में जो है उन्होंने इतनी हालत बेकार कर दी थी। और उसके बाद अब NTPC में ऐसा नहीं होगा, उसका कारण मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इसमें क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन लगा हुआ है और इसमें आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगा हुआ है, सिर्फ इस वजह से आपकी कट ऑफ जो है जनरल के बराबर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप अपना मेहनत करिएगा और ज़्यादा सोचिएगा मत, घबराइएगा मत, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा आपके अंदर और मोटिवेशन आएगा और आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आप इसी थिंकिंग में रहे कि हम तो जो है SC कैटेगरी से नीचे रहेंगे, और इतनी आप मान करके चलें कि हमारे 50 नंबर आ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा आपको 60 के आसपास स्कोर अपना रखना पड़ेगा। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट, आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, आपकी कोई भी कैटेगरी है LD VI, तो आपको जो है LD कैटेगरी में OH कैटेगरी में 60 नंबर तक आपको मान के चलने पड़ेंगे कि आपको 60 नंबर आ जाएंगे। 60 मार्क्स के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी मिलेगा, तो इतने नंबर आपको सोचने पड़ेंगे। HI और MD थोड़ा सा कम स्कोर रह जाता है, ठीक है दोस्तों। अपना लगे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, जैसे भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।